व्यास ने भागवत लिखी। वेद पुराण, महाभारत और भगवत गीता महर्षि वेद व्यास लिख चुके थे। एक दिन शाम के समय वे सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे। तभी नारद ने आकर पूछा, महर्षि व्यास, क्या बात है? आप कुछ व्यग्र लग रहे हैं। महर्षि ने कहा, नारद, वेद पुराण महाभारत लिखने के पश्चात भी लगता है मानो मानवता के लिए कुछ छूट रहा है। कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति में लोगों को बहुत दुख होगा। तब नारद जी ने कहा, यह तो है। आपने अपने शास्त्रों में कर्मयोग की महत्ता तो बताई, किंतु आपने नारायण की महिमा का, लीला का, गुण का ज्ञान नहीं किया है। उनकी महिमा को जानने के बाद ही लोग उनकी ओर आकृष्ट होंगे। भक्ति उन्हें पाने का सरलतम मार्ग है। जब आप उनकी महिमा का मंडन करेंगे, तब आपको अवश्य शांति मिलेगी। नारद जी ने महर्षि व्यास को भगवत लीला से परिपूर्ण एक ग्रंथ लिखने की सलाह दी और लिखने से पहले भगवान की भक्ति भी करने के लिए कहा। नारद की बातों से महर्षि व्यास प्रेरित हुए और उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की।